स्वागत है दोस्तों आपका इनके क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने शेयर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन में वो समझा था। आज हमारा टॉपिक है शेयर स्ट्रेस इन सर्कुलर सेक्शन। तो आज हम समझेंगे कि सर्कुलर सेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कुलर सेक्शन अज्यूम कर लिया है, मीन्स सर्कुलर बी में उसमें हमने एक सेक्शन कंसीडर करा है जिसकी जो रेडियस है वो आर है और डायमीटर कितनी गाइस डी है। नाउ हमने वाई डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से एक फाइबर कंसीडर करा है और उस पर हम क्या निकालेंगे शेयर स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो हमने एक सर्कुलर सेक्शन अज्यूम करा जिसकी रेडियस कितनी है गाइस आर और डायमीटर कितना है डी। y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस हमको शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो हम सबसे पहले वेरिएशन देख लेते हैं सर्कुलर सेक्शन में। सो जो उसका वेरिएशन होता है वो पैराबोलिक होता है इस तरीके से जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी था। नाउ अब y डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से हम जो शेयर स्ट्रेस लिखेंगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tau इज इक्वल्स टू f बाय 3i r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये जो है y डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस से जो सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए टाउ का फॉर्मूला है। सो शेयर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन एज टाउ इज इक्वल्स टू f बाय 3i इंटू आर स्क्योर माइनस वाई स्क्योर। आर क्या है यहाँ पे रेडियस है एंड y क्या है न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर तक की डिस्टेंस जिस पे भी आपको निकालना है। जैसे मान लो ये अगर हम ए बी कंसिडर करते हैं तो ए बी वाई डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस से तो वहां पे आप शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से एफ बाय 3i इंटू आर स्क्योर माइनस वाई स्क्योर। नाउ अगर हम देखें यहां पे तो ये जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका एंड पॉइंट्स पे कितना है यहां पे शेयर स्ट्रेस कितना गाइस जीरो है। मीन्स अगर हम ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास आर है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर है, तो अगर हम y इक्वल्स टू क्या रखते हैं आर पुट करते हैं मीन्स y इक्वल्स टू हम क्या पुट करते हैं आर पुट करते हैं तो हमारा जो टाउ है वो कितना आएगा जीरो आएगा। मीन्स अगर आपका y किसके इक्वल आ गया रेडियस के इक्वल तो वहां पे आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो जीरो मिलेगा। तो हम जब वेरिएशन बनाएंगे तब हम जो एंड पॉइंट है वहां पे शेयर स्ट्रेस कितना पुट करेंगे गाइस जीरो, क्योंकि यहां पे जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी r होगी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू r पुट करेंगे तो r स्क्योर माइनस r स्क्योर हो जाएगा तो tau कितना आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब सर्कुलर सेक्शन में जब आपका y इक्वल्स टू r रहता है तो वहां पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होता है। सेकेंड चलते हैं, अगर हम y इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो अगर y इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये आपका क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहां पे विद इंक्रीज ऑफ y टाउ कैसा हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम y को जीरो पुट कर देंगे तो आपका टाउ कितना आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। सो अगर हम इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं गाइस तो हमारा जो टाउ मैक्स है वो कितना जाएगा f बाय 3i इंटू आर स्क्योर माइनस जीरो। सो ये हमारा बन जाएगा f बाय 3i इंटू आर स्क्योर। सो ये हमारा क्या आ गया मैक्सिमम टाउ आ गया। नाउ हमारे को i की वैल्यू पता है कि जब भी आपका सर्कुलर सेक्शन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पाई बाय 64 इंटू डी की पावर 4। नाउ अब हमारे पास एक्सप्रेशन में r है तो हम t को काय में कन्वर्ट कर देंगे r में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पाई बाय 64 इंटू 2r की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली निकल के आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू आर की पावर 4। तो ये हमारा क्या निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो ये आ गया हमारे पास पाई बाय 4 इंटू आर की पावर 4। नाउ ये जो आई की वैल्यू है हम टाउ मैक्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा वो देखते हैं। सो जब हमने टाउ मैक्स की वैल्यू निकालना चाहिए आई पुट करके तो वो क्या आएगी f बाय 3i इंटू आर स्क्योर और i की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4 इंटू आर की पावर 4।
तो ये हमारा बन जाएगा पाई बाय फोर, फोर बाय थ्री इंटू पाई एफ डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्योर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आर की पावर फोर है, आर स्क्योर कैंसिल होकर आर स्क्योर बचेगा, फोर आपका ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा फोर बाय थ्री एफ अपॉन पाई आर स्क्योर। नाउ हमको एक चीज पता है कि अगर हम टाउ एवरेज देखते हैं तो वो क्या होता है, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हमारा बन जाएगा शियर फोर्स एफ है, अगर सर्कल का एरिया देखें तो कितना होता है पाई आर स्क्योर, तो ये हो गया। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, टाउ एवरेज, तो ये हमारा निकल के आ जाता है टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू फोर बाय थ्री टाउ एवरेज। तो ये हमको एक इम्पोर्टेंट हमारा एक रिलेशन है, तो हमको याद रखना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। तो वापस एक बार देख लेते हैं गाइस कि सर्कुलर सेक्शन में हम टाउ कैसे निकालते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। सो ये जो वाई है हमारा, ये क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर भी आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है वहां तक की डिस्टेंस होती है। नाउ तो हम किसी भी पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस शेयर स्ट्रेस कैसे लिखेंगे, टाउ इक्वल्स टू एफ अपॉन थ्री आई आर स्क्योर माइनस वाई स्क्योर। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आर को वाई को इंक्रीज करेंगे टाउ हमारा डिक्रीज होगा, तो अगर हम y को जीरो रखेंगे तो हमारा टाउ मैक्स मिलेगा, और अगर हम y को r के इक्वल रखेंगे तो हमको टाउ कितना मिलेगा गाइस, जीरो मिलेगा। अब जो टाउ मैक्स है वो हमारा आ गया f अपॉन थ्री आई इंटू आर स्क्योर। अब i की वैल्यू हमको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो i की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हमने i की वैल्यू टाउ मैक्स में रखी तो हमारे पास फोर बाय थ्री एफ अपॉन पाई आर स्क्योर हो गया। अब टाउ एवरेज अगर हम देखते हैं तो वो होता है एफ अपॉन एरिया, सर्कुलर का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्योर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टाउ एवरेज। तो ये बन गया हमारा टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री टाउ एवरेज। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले हमको न्यूमेरिकल में यूज आएंगे। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारा, ए सर्कुलर बीम ऑफ 100 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 5 kN। तो एक सर्कुलर बीम है जिसका डायमीटर हमको कितना दे रखा है 100 mm, और सब्जेक्टेड है वो शियर फोर्स से 5 kN। कैलकुलेट एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले गाइज हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। सो डायमीटर हमारे पास गिवन है 100 mm, तो अगर हम रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डी बाय टू, तो ये आ गया हमारे पास कितना 50 mm। सो रेडियस निकाल लिया, आपके पास आपको शियर फोर्स गिवन है, एफ आपको कितना गिवन है 5 kN। सो ये kN में गिवन है, तो हम इसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन में। तो अगर हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000 newton। नाउ सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज शियर स्ट्रेस। सो टाउ एवरेज आपका क्या होता है एफ अपॉन एरिया, इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्योर। सो शियर फोर्स कितना है आपका 5000 डिवाइडेड बाय पाई, आर कितना है आपका 50 का स्क्योर। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस आपके पास 0.6366 newton per mm square। तो ये हमारा क्या निकला गाइस, ये हमारा निकला टाउ एवरेज। अब हम सेकंड निकाल सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड हमको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का हमको रिलेशन पता है 4/3 इंटू टाउ एवरेज, तो डायरेक्ट हम ये रिलेशन यूज करेंगे टाउ मैक्स निकालने के लिए। सो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा आपका 4/3 इंटू टाउ एवरेज आपका कितना आया है 0.6366। सो ये रिलेशन हम यूज करेंगे तो हमारा टाउ मैक्स आ जाएगा।
और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। थर्ड आपको निकालना है शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस 40 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो हमको पता है कि किसी भी डिस्टेंस पे अगर आपको निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है टाउ का, ये हमको पता है कि एफ अपॉन 3i, इधर देख लीजिए, एफ अपॉन 3i इंटू आर स्क्योर माइनस वाई स्क्योर। तो हम डायरेक्ट ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं उसके लिए। सो हम लगा देंगे एफ अपॉन 3i इंटू आर स्क्योर माइनस वाई स्क्योर। अब हमारे पास r की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 mm। सबसे पहले हम i निकाल लेते हैं। सो i हमारा क्या होता है पाई बाय 64 डी की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 64, डी आपको कितना गिवन है 100, सो ये आ जाएगा आपका 100 की पावर 4। तो हम इसको निकाल सकते हैं गाइस, तो आपके पास जो आपका आई है वो कितना आ गया 4908750 mm की पावर 4। सो ये जो आई की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो टाउ इज इक्वल्स टू शियर फोर्स आपका कितना है 5000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आई की वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू आर आपका कितना है 50, सो 50 स्क्वायर माइनस 40 इसके। तो ये हम सोल्व कर लेंगे, तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा 0.3055 न्यूटन पर एमएम इसके। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप टाउ निकालोगे ये आपका मैक्सिमम से हमेशा कम आएगा, अगर वो आपका ज्यादा आ रहा है इसका ये मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हम टाउ निकाल रहे हैं 40 mm पे ये हमारा लेस देन किससे आना चाहिए, मैक्सिमम से आना चाहिए। तो ये हमने अभी देखा कि शियर स्ट्रेस जो है सर्कुलर सेक्शन में वो किस तरीके से वेरी करता है, और वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, जब आपका आर इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कितना हो 0, और आपका जो टाउ है वो 0 होता है जब आपका आर कितना हो वाई के इक्वल हो। तो ये आपको दोनों चीज ध्यान रखना है, एक रिलेशन आपको टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू टाउ एवरेज, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी पॉइंट पे हम शियर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं सर्कुलर सेक्शन में, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए गाइस जिसमें हम न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे जिसमें हमने शियर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस समझाया तो आप पहले वो देखें ताकि आपको इजीली जो आने वाले वीडियोज है और ये वीडियो वो इजीली आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।